साल 2008 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का विखंडन इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है और यदि मुझे रूसी इतिहास में कुछ सुधारने का मौका मिले तो मैं एक बार फिर से यूएसएसआर को बनाना चाहता हूँ। यह रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान है। और मौजूदा समय में आपको पता ही है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का एक महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी भी रूस ना तो यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर पाया है और ना ही यूक्रेन ने अपने हथियार नीचे डाले हैं। तो सवाल यह है कि रूस ने अभी तक कीव पर कब्जा क्यों नहीं किया, तो इसको लेकर कई अलग अलग राय है। कुछ जानकारों का कहना है कि यूक्रेन का पलटवार बहुत ताकतवर है, इसलिए वो रूस को अंदर घुसने नहीं दे रहा। पर यह देखते हुए कि रूस आज कई यूक्रेनी हवाई अड्डों पर कब्जा कर चुका है, ऐसे में रूस को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी राय यह भी है कि शायद रूस वाकई में यूक्रेन पर कब्जा ही नहीं करना चाहता, उसका मकसद ही कुछ और है। जिस तरह से रूस ने हवाई हमले शुरू किए हैं और यूक्रेन के आधारभूत संरचना को ध्वस्त करना शुरू किया है, उसे देखकर फिलहाल तो यही लग रहा है कि यूक्रेन को पूरी तरह से असहाय बना देना चाहता है, ताकि यूक्रेन चाहकर भी नाटो की तरफ और नाटो देश चाहकर भी यूक्रेन की तरफ ना देख सके। ऐसे में यूक्रेन को ना चाहते हुए भी रूस के पाले में आना पड़ेगा और यहीं से यूएसएसआर के फिर से बनने की संभावना बढ़ जाती है। और कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि रूस एक बार फिर से यूएसएसआर को खड़ा करना चाहता है और जिनकी शुरुआत यूक्रेन पर हमला करके हो चुकी है और इसके बाद भी कई अन्य देशों पर रूस हमला करने वाला है, ऐसी खबरें आपने भी सुनी ही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्या यूएसएसआर फिर से बनने वाला है, इसे लेकर रूस की क्या क्या नीतियां हैं, और एक कार्टून है जिसने यूएसएसआर को लेकर एक भविष्यवाणी की है, वो भी जानेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम यूएसएसआर कैसे बना था और कैसे टूटा था उसका थोड़ा सा इतिहास ऊपर ऊपर से जान लेते हैं, ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। साल 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी, जिसके बाद उस वक्त के मौजूदा शासक निकोलस जार को गद्दी से उतार दिया गया और इसके बाद यूएसएसआर बनने की प्रक्रिया चालू हुई, जो कि 1922 तक में पूरी हो गई। इसके प्रमुख थे व्लादिमीर लेनिन, ये उनकी इमेज है। तो लेनिन ने यूएसएसआर को बनाने के लिए रूस के दूर दराज के क्षेत्रों को यूएसएसआर में शामिल किया, जिसके चलते कुछ सालों में यूएसएसआर का आकार बहुत बड़ा हो गया और इस ग्रुप में टोटल आज के 15 देश शामिल हो गए थे। और ये ग्रुप कितना विशाल और ताकतवर था, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर को इसी ग्रुप ने हराया था, फिर अमेरिका के साथ इसने शीत युद्ध किया, स्पेस रेस में भी यह ग्रुप काफी आगे था। लेकिन इस ग्रुप में काफी खामियां भी थी, जैसे अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर में यूएसएसआर को काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था और इनकी तिजोरियां खाली हो गई थी। इसके अलावा यूएसएसआर के सभी देशों के बारे में निर्णय लेने का पावर सिर्फ रूस के पास ही था, यानी रूस इस ग्रुप का सबसे पावरफुल देश था और यूएसएसआर के सारे देशों पर उनकी बहुत कड़ी पकड़ थी। लेकिन इससे कई देश खुद को असहज महसूस करते थे और वे इस ग्रुप से निकलना चाहते थे, और उन्हें यह मौका मिला 1991 में, जब यह ग्रुप पूरी तरह से टूट गया। इस ग्रुप के सभी देश अलग अलग हो गए, जिसमें से यूक्रेन भी एक था। तो क्या इसके बाद यूएसएसआर का नामो निशान मिट गया था या यूएसएसआर का विचार जिंदा रहा था? तो यूएसएसआर के विघटन के बाद भी रूसी नेताओं के दिमाग में यूएसएसआर जिंदा रहा, और तभी 1999 में व्लादिमीर पुतिन सत्ता में आ गया। राष्ट्रपति बनने के बाद साल 2008 में पुतिन ने कहा था कि यूएसएसआर का विखंडन इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है और यदि मुझे रूसी इतिहास में कुछ सुधारने का मौका मिले तो मैं एक बार फिर से यूएसएसआर को बनाना चाहता हूँ। अब राजनीतिक करियर के पहले पुतिन एक जासूस थे, इसलिए उनकी बात को सामान्य लेने की भूल कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए पुतिन के ऐसे बयान के बाद उनके हर एक्शन को यूएसएसआर बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर देखा जाने लगा। और यूएसएसआर बनने के विचार को बल तब मिला जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। आज इस युद्ध को करीब एक महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन रूस लगातार हमले किए जा रहा है। इस युद्ध को रोकने के लिए रूस ने कुछ मांगें रखी है। उन मांगों को देखकर साफ होता है कि रूस यूक्रेन को पूरी तरह अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहता है, यानी यूक्रेन में रूसी समर्थक शासन बैठाना चाहता है, कठपुतली सरकार।
क्योंकि रूस यह अच्छी तरह से जानता है कि यूएसएसआर को बनाने का सपना यूक्रेन के बिना पूरा नहीं हो सकता। जब यूएसएसआर अस्तित्व में था तब उस वक्त रूस के बाद यूक्रेन ही एक प्रभावशाली देश था जो यूरोप और एशिया दोनों के करीब था। इसलिए तो पुतिन ने यूक्रेन के प्रति कड़ा रुख साल 2014 से ही अपनाना शुरू कर दिया था। 2014 के पहले इस देश में रूसी समर्थक राष्ट्रपति थे, लेकिन 2014 में जेलेंस्की राष्ट्रपति बन गया जो अमेरिका और नाटो के ज्यादा करीब थे। अब जेलेंस्की यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाना चाहते थे, जिस पर रूस को आपत्ति थी, क्योंकि इससे अमेरिका सीधे ही अपने हथियारों को यूक्रेन में तैनात करके रूस पर दबाव बना सकता था। इस कारण जब परिस्थिति अपने हाथ से बाहर जाती दिखी तो रूस ने 2014 में ही यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला करके इसे अपने कब्जे में ले लिया। और तब भी पुतिन ने कहा था कि क्रीमिया पहले से ही रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन नहीं माना, जिसका नतीजा यह युद्ध है। इस युद्ध में भी रूसी राष्ट्रपति यह कहते नजर आ रहे हैं कि वह अपने लोगों के लिए युद्ध कर रहे हैं। यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से रूस से गहरा नाता है, ऐसा पुतिन का कहना है। अब यदि मान भी ले कि पुतिन के दिमाग में वाकई में यूएसएसआर को पुनर्जीवित करने का विचार चल रहा है तो भी यह तब तक संभव नहीं है जब तक पूर्व यूएसएसआर के सभी देशों पर रूस का प्रभाव ना हो। यदि आज के हालात देखें तो जर्मनी, पोलैंड और बेलारूस जैसे कुछ देशों को छोड़ दे तो बाकी सभी यूएसएसआर के पूर्व देश रूस और अमेरिका के बीच एक सामंजस्य बने हुए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पूरी तरह अमेरिकी गुट में शामिल हो चुके हैं और नाटो और यूरोपियन यूनियन के सदस्य बन चुके हैं। इसलिए रूस के लिए उन्हें वापस अपने इन्फ्लुएंस में लाना इतना आसान नहीं है, खासकर यह देखते हुए कि अमेरिका का प्रभाव अभी भी पूरी दुनिया में काफी बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ नाटो भी लगातार अपना विस्तार कर रहा है, लेकिन इसके सामने अपने सीमित विकल्पों के बावजूद भी रूस ने कुछ यूएसएसआर के पूर्व देशों पर काफी गहरा प्रभाव बनाकर रखा हुआ है। तो अब बात करते हैं पुतिन की विस्तारवादी नीतियों की। रूस शुरू से ही अपने विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है, लेकिन जब से पुतिन राष्ट्रपति बने हैं तब से यह काफी ज्यादा बढ़ गया है। साल 1999 में राजनीति और साल 2000 में रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने सबसे पहले चेचन्या पर हमला किया और उसे अपने देश में मिला लिया। कुछ सालों बाद जब जनमत संग्रह हुआ तो अधिकतर लोगों ने खुद को रूसी फेडरेशन का हिस्सा माना और चेचन्या रूस का हिस्सा बन गया। यह इन्वेजन भी क्रीमिया की तरह ही था, ऐसा ही रूसी दखल जॉर्जिया में भी देखने को मिला। साल 2004 में एक पिंक रिवॉल्यूशन के बाद एक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई जो अमेरिका के सपोर्टर माने जाते थे। अब रूस को यह बात सही नहीं लगी, लेकिन उसने हमला नहीं किया, उसने इंतजार किया। और यह इंतजार आखिरकार साल 2008 में उस वक्त खत्म हुआ जब जॉर्जियन सेंट्रल गवर्नमेंट के दो स्टेट अबखाजिया और साउथ एसेटिया के बीच कुछ विवाद शुरू हो गया और रूस ने भी इस विवाद में अपना दखल दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों स्टेट ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसके बाद रूस ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए यहां पर अपनी सेना और S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेज दिया। और ऐसा ही कुछ कजाकिस्तान में उस वक्त देखने को मिला जब वहां की जनता सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन इस बात को लेकर था कि ऊपरी पदों पर बैठे व्यक्तियों की तो अच्छी कमाई होती थी, पर आम लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही थी, उनकी आमदनी अच्छी नहीं थी, जिसके चलते वहां के आम लोग बहुत परेशान थे। लेकिन इस आंदोलन को कजाकिस्तान ने तो कुचला ही, इसके साथ रूस ने भी अपनी सेना यह कहकर उतार दी कि इस आंदोलन में पश्चिमी देशों का हाथ है और यह सब CSTO लॉ के चलते किया। अब जैसे नाटो ऑर्गेनाइजेशन है वैसे ही कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, ताजिकिस्तान और रूस भी शामिल है। तो यह कानून रूस को यह अधिकार देता है कि वह इन देशों में अपनी सेना भेज सकता है जब भी उसे किसी तरह का खतरा महसूस होता है या इस देश के ऊपर कोई खतरा आता है। इसके अलावा रूस का ऐसा ही दबदबा बाल्टिक सागर के पास स्थित बाल्टिक देश इस्तोनिया, लात्विया और लिथुआनिया में भी दिखता है। ये भी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे पहले। आज ये देश पेट्रोलियम के लिए पूरी तरह से रूस पर निर्भर है और रूस भी यह अच्छी तरह समझता है कि छोटे देशों को अगर अपने कंट्रोल में लेना है तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर बनाना होगा। इन देशों ने जब भी रूस की इच्छा से उलट काम किया है तब रूस पेट्रोलियम की सप्लाई रोककर इन पर दबाव बनाता है। यह दबाव कितना होगा इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि
बाल्टिक देशों के रक्षा मंत्री को दिसंबर 2021 में एक जॉइंट स्टेटमेंट में यह कहना पड़ा कि उन्हें रूस से खतरा है, रूस उनकी जासूसी करता है। तो इन सब बातों से एक बात तो साफ होती है कि रूस यह बिल्कुल नहीं चाहता कि उनके आसपास के देशों में अमेरिका या नाटो का प्रभाव हो, और जब भी ऐसा होता दिखता है तो वह हमला करने से भी नहीं डरता। वहीं यदि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद से देखें तो शायद यह पहला मौका है जब रूस इतना ताकतवर दिखाई दे रहा है। अब यूक्रेन से चल रहे इस जंग के कुछ दुर्गामी परिणाम भले ही हो, लेकिन यह तो दिख गया कि नाटो भी रूस से भिड़ना नहीं चाहता। ऐसे में बाकी देशों को भी रूस की ताकत का अंदाजा जरूर लगा होगा। रही बात यूएसएसआर के फिर से बनने की, तो इसकी संभावना है तो कम, लेकिन यूएसएसआर की तरह कोई दूसरा ग्रुप जरूर बन सकता है जिसमें रूस के साथ चीन, ईरान आदि देश भी शामिल हो सकते हैं। अब सिंपसन करके एक कार्टून है, आपने ये देखा ही होगा। तो इसने भविष्यवाणी की है यूएसएसआर के बनने की, और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इस कार्टून की ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ सही साबित हुई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, और आपकी क्या राय है इसे लेकर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में, उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।